मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में चंद्रकला क्षेत्र में गुरुवार सुबह करीब 9 बजे वर्षों पुराना दो मंजिला मकान का पिछला हिस्सा गिरने से मकान मालिक अली असगर घायल हो गए, जिन्हें मौके पर मौजूद लोगों की सहायता से बाहर निकाला गया। हादसे के समय घर में और भी लोग थे, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। गनीमत तो यह रही कि यहाँ बड़ा हादसा होने से टल गया है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस और नगर निगम की टीम भी पहुंच गई। नगर निगम अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि यह मकान वर्षों पुराना है, जो जर्जर हो चुका है। इसे तोड़ने को लेकर मकान मालिक को दो नोटिस भी दिए जा चुके हैं, उसके बाद भी उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। नगर निगम द्वारा आज ही इस जर्जर मकान को तोड़ने की कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है? अमीना भाई और मोहम्मद अली गुलाम अली के नाम से। क्या जर्जर था? क्या था पहले? तो जर्जर था, काम चालू ही कर रहे थे, आज मिस्त्री भी आने वाला था और अचानक से गिर गया। तो निगम की तरफ से कुछ नोटिस भी मिला था गिराने का या रिपेयरिंग करने का? कुछ नोटिस मिला था, आगे की तरफ पर उन्होंने दिए थे, वो काम ही करवा रहे थे और पीछे का गिर गया, अचानक गिर गया। हाँ अचानक। मकान को कितने टाइम हो गया? मकान बनने को कितने टाइम हो गया? कितने साल पुराना मकान है? मकान तो बहुत पुराना है, करीब 80 साल पुराना है। नगर में जो मकान गिरा उसमें कोई घायल भी हुआ है क्या? नहीं, भाई को थोड़ा सा लगा है, वो क्या हॉस्पिटल में भर्ती करें? हॉस्पिटल ले जाकर उनको। क्या नाम है आपका? भाई नौलखा का मकान है, 100 साल से ज़्यादा इसकी आयु हो चुकी है और ये बहुत जर्जर हो चुका है। नगर निगम ने 2-3 बार इनको नोटिस भी दिया है, आज इंजीनियर साहब भी आए थे, नाराज़ होकर गए, बारिश में ज़्यादा पानी पी लिया इसमें और बैठ गए। इसमें अली भाई जो है तो दब गए और घायल रूप से हॉस्पिटल में आए। पहले भी नोटिस दे चुके थे निगम की तरफ से? नगर निगम द्वारा नोटिस दिया गया है, कार्रवाई चालू। बुरहानपुर से नौशाद नूर की यह रिपोर्ट।